इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहता हूं इस बात के लिए कि मराठी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा और अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता। बहुत साल अंग्रेजी बोलता रहा, अंग्रेजी में पढ़ता रहा, लिखता रहा, लेकिन अब कुछ वर्षों से संकल्प लिया अंग्रेजी में काम नहीं करूंगा। उसके पीछे कारण क्या है? एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था एम्स्टर्डम हॉलैंड में, तो वहां एक रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो मैं मेरा रिसर्च पेपर जब पढ़ रहा था तो एक डच साइंटिस्ट ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि आपके देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो मैंने कहा मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो उसने कहा आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा आप हमारे समझने की चिंता क्यों करते? तो मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा आपसे पहले जो साइंटिस्ट आए रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, उनमें से कितने साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पेपर पढ़ा? तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझसे पहले कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा था, और उससे पहले कुछ डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डच में पढ़ा था, एक जापानीज साइंटिस्ट आया था, उसने जापानीज में पढ़ा था, रूस का एक साइंटिस्ट था, उसने रशियन में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा ये सबके सब वैज्ञानिक अपने अपने देश की भाषा में पढ़ते रहे, तो क्या हमको ये सब समझ में नहीं आया होगा? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमने व्यवस्था की हुई है, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, आप जिस भाषा में पढ़ेंगे हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़िए। तो मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी में पढ़ नहीं सकता। तो उस वैज्ञानिक ने मुझको जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा। उसने कहा कि 1947 के पहले आपका देश गुलाम था, और अगर आपका जन्म 1947 के पहले हुआ होता और आप अंग्रेजी में पेपर पढ़ते तो मेरे समझ में आता कि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं, लेकिन अब तो आपका देश आजाद हो गया है और आपका जन्म तो आजादी के बाद का जन्म है, तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए, ये उसका कहना था। तो मुझे लगा कि बात तो वो बिल्कुल सही ही कह रहा है। और उसने एक बात और कही जो शायद सभी ने मानी है और कही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक काम करना चाहे, कोई बेसिक रिसर्च करना चाहे, कोई मौलिक शोध करना चाहे, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपनी मातृभाषा में चिंतन ना करे। तो उसने मुझे एक नहीं 1001 वैज्ञानिकों के नाम गिनाना शुरू किया कि देखिए ये जितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कभी कोई मौलिक शोध किया है तो सबने अपनी मातृभाषा में किया है। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में काम नहीं करेंगे तो आप भी मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ काम कर लिया होगा, आप उसकी नकल करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको मौलिक रूप से कोई चीज करने को लिए दे दी जाए तो शायद आपके हाथ पैर काम जाएंगे। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक ही कहा उसने। और उसके बाद जो जापानीज हमारा कुलीग था उससे मैंने पूछा था कि आपके देश में पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी जापानीज में? हाँ बिल्कुल होती है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई? हाँ वो भी होती है जापानीज। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। मैनेजमेंट की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। तो बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा आपको कभी कष्ट नहीं होता? अंग्रेजी के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं? उन्होंने कहा थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता है। तो उसने जो एक दूसरी बात मुझसे कही वो ये कही कि भाषा का सवाल नहीं है, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है और अपने संकल्प का है। तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने दोस्तों ईमानदारी से आपसे कहूं हिंदी बोलना शुरू किया या सीखा, और अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी मैं जब हिंदी बोलता हूं तो उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं। तो ये मेरी तकलीफ है क्योंकि बचपन से अंग्रेजियत में पढ़ा हुआ हूं और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता और मराठी मुझे बोलने नहीं आती, इसलिए आप माफ करिएगा, मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा, लेकिन आसानी के साथ मेरी बात आपको समझ में आए उसकी मैं कोशिश करूंगा।